हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप देख सकते हो ये कमरे की हालत है, टेप लगाए हुए हैं, शायद कोई बर्थडे वगैरह था। और फिर उसका मेकओवर करने के बाद ये मैंने इस तरह से कमरे को सजाया है। और ये भी सिर्फ मैंने 150 रुपये में कमरे को इस तरह से इसका मेकओवर किया। और चलिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मार्केट चलते हैं। और रात के टाइम मार्केट बहुत अच्छी लग रही है आजकल, दिवाली का सामान लगा हुआ है और मुझे भी यहाँ से कुछ सामान लेना है। मुझे कुछ दिवाली का और कुछ मुझे डिस्टेम्पर वगैरह यहाँ से लेना है कलर। तो मार्केट में ये 10 रुपये के 12 यहाँ पे दीवे लगे थे, तो मैंने ये भी ले लिए। और उसके बाद फिर, और ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट कितने अच्छे लग रहे हैं। और चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। और मार्केट में ये कुशन कवर थे जो कि 200 रुपये के 5 ये मिल रहे थे, तो मैंने ये भी लिए क्योंकि मुझे इसकी भी कुछ ज़रूरत है रूम को सजाने के लिए। और यहाँ से भी मैंने कुछ सामान लिया है। और उसके बाद मैंने डिस्टेम्पर और कलर लिया, फिर आ गई थी घर। और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर। और ये डिस्टेम्पर आजकल बहुत अच्छी पैकिंग में आ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल थोड़ा ही चाहिए था, तो ये 45 का मुझे ये पैकेट मिला है। और ये मैंने 2 पैकेट लिए, उसने बोला कि अगर वापस हो जाएगा, अगर बच जाएगा तो। और एक मैंने ये कलर लिया और साथ में ये मैंने कुछ कुशन कवर लिए हैं। और ये है रूम की हालत, और ये टेप के निशान पूरे रूम में इतने गंदे लग रहे थे। तो इतना अच्छा तो मुझे कलर करना नहीं आता है, पर मैं कोशिश करूँगी, इससे तो बेटर ही हो जाएगा मुझे लगता है। और ये टेप के निशान इतने भद्दे थे कि ये इसमें कलर भी नहीं होने वाला था। तो मैंने पहले इसको एक गत्ता सा मिलता है उससे मैंने रगड़ा है पहले, और फिर इसमें कलर किया है। और दिवाली आ रही है तो साथ साथ में मैं मंदिर को भी साफ़ कर लूँगी, तो मैं मंदिर का कर्टेन निकाल लूँगी पहले और इसको धो के पहले सूखने डाल दूँगी, उसके बाद फिर कलर का काम शुरू करूँगी। और मेरे हॉल में ही ये पूजा रूम भी है, तो सबसे पहले मैं ये डिस्टेम्पर निकाल लूँगी। डिस्टेम्पर ये लिक्विड है तो इतना इसको प्रॉब्लम नहीं होगा घोलने में। और ये मेरा कलर है, सेम कलर जो पहले था ब्लू कलर का, वही लेके आई हूँ। और ये मैंने इसको बाल्टी में पहले घोल लिया। और साथ में ये है मेरे हथियार, और जिससे पहले मैंने दीवार घिसी है वो वाला मेरे से शूट नहीं हुआ। और अभी मैं कर रही हूँ कलर, इसमें 2 कोट लगेंगे क्योंकि एक में तो ये अच्छे से नहीं होगा। अब जो पेंट करने वाले होते हैं वो तो पहले पूरे दीवार को अच्छे से घिसते हैं, उसके बाद पुट्टी लगाते हैं, और भी बड़ा कुछ प्रोसेस होती है, पर मैं वो तो मुझे नहीं आता, बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत इसको कर दूँगी। और फिर बाद में जब पूरे घर में कलर होगा तो फिर इसमें भी हो ही जाएगा। और ये पहले ही हमने जब कलर करवाया था ऊपर वाली उसमें, तो वहाँ से ये रोलर बचा हुआ था, तो मैं पहले इससे ट्राई कर रही थी। एक कोट मैंने इससे किया और फिर बाद में मैंने दूसरा कोट ब्रश से कर लिया। और इसमें कलर करने के लिए सिर्फ 150 रुपये का मेरा ये सामान लगा है। और ये देखिए एक कोट मेरा ये हो चुका है, अब मैं दूसरा वाला कोट इसमें कर रही हूँ ब्रश से। और कलर करती बार ये जो मंदिर और अलमारी में जो ये कितने निशान लग गए हैं, ये मैं साथ साथ में ही साफ़ करती रहूँगी क्योंकि गीला है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये बहुत अच्छे से भी साफ़ हो गया। और ये फाइनल है, ये दीवार एक मेरी हो गई है। अब इसके बाद ये सफाई करके मैं ये दूसरी वाली साइड की कर रही हूँ। और बस ये मेरी लास्ट वाली बची है, इसके बाद नीचे मैं पहले फर्श जो साफ कर लूँगी क्योंकि उसमें भी बहुत छींटे पड़े थे। अभी मेरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं ये मैट बिछा रही हूँ। इसको सूखने में दीवारों को अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही गंदे वाले धब्बे इसमें जो लगे हुए थे उसके टेप के,
तो उसको सूखने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन उतनी देर में मैं अपनी पूरी सफाई कर लूँगी। अभी मैंने ये चेयरें रख ली है और ये कुशन भी मैंने खुद ही घर पे अभी पहले बनाए थे और ऐसे ही बेस्ट कपड़ों से ही मैंने बनाए हैं। और ये कुशन कवर मैं नीचे से लेके आई थी, लेकिन ये मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे, एक रेड और एक पिंक, और इसमें मैं पेंटिंग भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने दोनों को चेंज कर दिया, दोनों को मैंने पिंक पिंक ही कर लिया। और अभी ये कुछ बूंदें उसमें बोर्ड में लगी हुई है तो मैं ये साफ कर रही हूँ, गीले हैं तो अच्छे से ये साफ हो गई। तो कुछ इस तरह से अभी गीला है पर इस तरह से लग रहा है, तो ये बाहर ये पिछले साल का ये निकल नहीं रहे, तो मैंने इसी के ऊपर जो है ये अपनी रेडीमेड रंगोली लगा दी। और आज है 12 तारीख, 13 को ये मेरी वीडियो जाएगी और 13 तारीख को ही हम लोग चंडीगढ़ चले जाएंगे, दिवाली हम चंडीगढ़ में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली है अब। और आज है धनतेरस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। इस दिवाली माता रानी आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे। और इसी के साथ मैं ये लेके आई थी पर ये पिछले साल के भी निकल नहीं रहे थे तो मैंने इसी के ऊपर इसको चिपका दिया। और इस तरह से मेरी सफाई भी हो गई और मेरा ये मंदिर का कर्टेन भी सूख गया है, अभी इसको भी मैं ऐसे लगा लूँगी। और बस अब मेरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है और दिल्ली की तो ये हो गई, लेकिन अब जाएंगे चंडीगढ़ तो वहाँ पे भी तो बुरी हालत होगी क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम जा रहे हैं। तो इसी दिन मैं वहाँ पर भी सफाई करूँगी क्योंकि नेक्स्ट दिन दिवाली है इसलिए। और बस मेरा तो काम ही सफाई करना हो गया है। और ये पहले कमरा इस तरह से लग रहा था और फिर इसका मेकओवर करने के बाद इस तरह से लग रहा है और बेटर है, अभी सूखा नहीं है, सूखने के बाद और भी अच्छा लगेगा। और मैंने ये कुशन कवर भी चेंज कर लिए थे। तो ये है आज का मेरा छोटा सा वीडियो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक और नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।